नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी के समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन का विधान है। बसंत पंचमी के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। हर कार्य के लिए बसंत पंचमी काफी शुभ मानी जाती है। साथ ही बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का पूजन आपको बुद्धि प्रदान करेगा। तो क्या है मां सरस्वती की पूजा का विधान, साथ ही राशि अनुसार कैसे करना है पूजन और पूजा के लाभ क्या होंगे, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ शारदा का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, अर्थात आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। बसंत पंचमी के ऊपर माँ के स्वरूप माँ सरस्वती पूजन का विधान माना गया है। अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इतना शुभ दिन है हर काम करने के लिए। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त कहा गया है। मुख्यतः विद्या आरंभ करनी हो, नवीन विद्या प्राप्ति करनी हो, गृह प्रवेश करना हो, ऑफिस खोलना हो, व्यापार शुरू करना हो, कारखाना खोलना हो, तो इन सभी कार्यों के लिए बसंत पंचमी को हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे पंचांगों में भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन मुख्यतः माँ सरस्वती के पूजन किया जाता है। तो माँ सरस्वती जो है, माँ शारदा जो है, उनका जैसा शुभ श्वेत वर्ण है, धवल रूप है, वो वेदों में जो वर्णित किया गया है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित है, शुभ वस्त्रों से आवृत है, हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं, वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन के ऊपर विराजमान है। मां शारदा देवी ब्रह्मा शंकर सभी देवी देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय मानी गई है। तो ऐसी देवी सरस्वती मां शारदा हमारी जो ये बुद्धि है, उसकी जो जड़ता है, उसको नष्ट करके हमें अच्छी बुद्धि दे, तीक्ष्ण बुद्धि दे, कुशाग्र मेघा से युक्त करे, ऐसी प्रार्थना आज करनी चाहिए। मां सरस्वती देवी के इसी रूप और सौंदर्य का एक प्रसंग मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। जो लोक पूजित पितामह ब्रह्मा जी के चतुर्मुख होने का कारण दर्शाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके चार मुख क्यों हुए, उसके पीछे एक लोक कथा है। तो जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपने हृदय में मां सावित्री का ध्यान करके तप आरंभ किया, उस समय उनका जो निष्पाप शरीर था दो भागों में विभक्त हो गया। उसमें आधा भाग स्त्री का और आधा भाग पुरुष रूप का हो गया। तो वो जो स्त्री रूप था, वो मां सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। कहीं कहीं इन्हें मां सावित्री कहा जाता है, मां गायत्री भी कहा जाता है, ब्रह्माणी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अपने ही शरीर से उत्पन्न मां सावित्री के रूप को देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध उठे और ये कहने लगे कि ये कैसा सौंदर्यशाली रूप है, कैसा मनोहर रूप है।
उसके पश्चात माँ सावित्री ने ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी। इतनी खूबसूरत लग रही थी माँ, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो उनको एक क्षण के लिए भी देखना नहीं छोड़ सकते थे। तो माँ सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण जैसे जैसे वो घूमती चली गई, परिक्रमा करती चली गई, वैसे वैसे ब्रह्मा जी के मुख कभी दाहिने, कभी पाश में, कभी उत्तर में, इस तरीके से एक नया मुख प्रकट हो गया। दक्षिण देखा तो दक्षिण में, उत्तर देखा तो उत्तर में, पश्चिम देखा तो पश्चिम। फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की तरफ उद्दत हुआ और उनके बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित एक मुख का आविर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां का, और उसी कारण ब्रह्मा जी के चार धम जो है मस्तक हुए हर दिशा में एक एक। अतः स्पष्ट है कि ऐसी शुभ पवित्र सौंदर्यशाली देवी अति धवल रूप मां सरस्वती देवी की उपासना भी तभी पूर्णतः फलीभूत हो सकती है जब उसके लिए ईश्वर तथा प्रकृति ऐसा पवित्र और शांत वातावरण निर्मित करे, जबकि हम अपने मन को पूर्णतया निर्मल कर सकें, शांत बनाकर पूर्ण रूपेण देवी की उपासना में लीन कर दें अपने आप को। पवित्र वातावरण में रहकर बैठकर मन वचन कर्म से पूर्ण निष्ठा और भक्ति से मां शारदा देवी की आज के दिन उपासना करें। मेरे विचार से देवी सरस्वती की पूजा और उनकी जो कृपा प्राप्ति का जो बसंत पंचमी का जो त्योहार है, इससे अधिक शुभ पवित्र मुहूर्त और कोई नहीं हो सकता, और कोई त्योहार नहीं हो सकता। ऐसे समय में प्रकृति और देवता दोनों ही हमारी उपासना में सहायक भूमिका निभाते हैं। माँ सरस्वती व्रत का विधान और फल वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी मधुर होती है, स्मरण शक्ति यादाश्त जो है वो शक्तिशाली हो जाती है। मनुष्यों को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को, पति पत्नी और बंधुजनों का कभी वियोग नहीं होता है, दीर्घायु होते हैं, शरीर में निरोगता प्राप्त होती है। तो ऐसा आज का त्योहार है, आज के दिन माँ के सरस्वती रूप की पूजा करना निश्चित तौर पे घर में सुख शांति समृद्धि का वास करवाता है। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को आपने बसंत पंचमी की महत्ता तो बता दी, लेकिन पंडित जी बसंत पंचमी का जो पूजन विधि है वो पूजन विधि भी जानना चाहेंगे आपसे। तो आइए आज बसंत पंचमी पूजन की विधि को जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन यानी आज भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर गंध अक्षत श्वेत पुष्पमाला श्वेत वस्त्र इत्यादि उपचारों से वीणा अक्षमाला कमंडल और पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत मां सरस्वती भगवती गायत्री का पूजन करें, फिर हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें, मंत्रोच्चार करें और बोलें कि हे देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपको कभी परित्याग नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप भी हमें वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग ना हो। तो हे देवी, वेदादि संपूर्ण शास्त्र और नृत्य गीतादि जो भी विद्याएं हैं वो सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं, आपके चरणों में रहती हैं, वो सभी मुझे भी प्राप्त हो। माँ भगवती, माँ सरस्वती, आप अपनी लक्ष्मी से, अपनी मेघा से, अपना वरारिष्टि से, अपनी गौरी से, अपनी तुष्टि से, अपनी प्रभा से, अपनी मति से, इन आठ मूर्तियों के द्वारा आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मां सरस्वती की पूजन करें, मौन होकर दिन में एक बार भोजन का संकल्प करें। आज से शुरू करके हर मास की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का, सुहागन स्त्रियों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति तिल चावल दुग्ध घी का पात्र प्रदान करें, वर्ष भर पंचमी तिथि का व्रत रखें,
व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को चावल से भरा पात्र दान करें, श्वेत वस्त्र दान करें, श्वेत चंदन दान करें, घंटे का दान करें, अन्न आदि पदार्थों का दान करें, और संभव हो तो अपने गुरुदेव का भी वस्त्र, धन, धान्य और माला इत्यादि से आज के दिन पूजन करें। तो आज के दिन माँ सरस्वती का जो विधि विधान से पूजन करता है, अपने गुरु का जो पूजन करता है, और सबसे बड़ा गुरु कौन, आज के दिन अपने माता पिता का पूजन करना मत भूलिएगा। माँ सरस्वती का तो पूजन कीजिएगा, अपने गुरु का भी पूजन कीजिएगा, लेकिन आज अपने माता पिता का पूजन अवश्य कीजिए, उनके श्री चरणों का पूजन अवश्य कीजिए। उनके ही कारण आज आप इस दुनिया के अंदर सुख भोग रहे हैं। उनसे बड़ा कोई रूप नहीं है भगवान का। यदि आप चाहते हैं कि ये वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखे, तो आज माता पिता के श्री चरणों का पूजन कीजिएगा। ब्रह्मा के रूप का ध्यान करते हुए, माँ सरस्वती के रूप का ध्यान करते हुए आज के दिन श्री चरणों की उनकी पूजा कीजिए। और कम से वैसे तो जीवन भर नहीं करना चाहिए, और आज के दिन अपने माता पिता से कटु वचनों से बात नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि आप आज माता पिता का पूजन कर लेते हैं, माँ सरस्वती का पूजन कर लेते हैं, अपने गुरु का पूजन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर विद्यावान बनेंगे, धनवान बनेंगे, मधुर वाणी आपकी हो जाएगी। भगवती सरस्वती की कृपा से महर्षि वेद व्यास के समान आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महिला यदि इस प्रकार माँ सरस्वती का पूजन करती हैं, तो अपने पति से कभी भी उनका वियोग नहीं होता है। हमारे भारतवर्ष में जीवन के हर पहलू को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और इसी आधार पर पूजा उपासना की व्यवस्था की गई है। अगर धन के लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना का विधान है, तो बुद्धि के लिए आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, गुप्त नवरात्र के अंतर्गत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा उपासना मानी गई है। धार्मिक प्राकृतिक पक्ष को देखें तो ऐसे समय में वेदर चेंज भी होता है, मौसम भी बदलता है, तो मन भी जो है वो भी बहुत अधिक चंचल हो जाता है, भटकाव बढ़ता है। इसलिए इस समय में, और चूंकि बच्चों का एग्जामिनेशन समय भी होता है, तो ऐसे समय में चूंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो आज ही विद्या और बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती, उसकी उपासना कीजिए। निश्चित तौर पे मन नियंत्रित होगा, बुद्धि कुशाग्र होगी, क्योंकि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो भटकाव से परेशान है, अनस्टेबिलिटी से परेशान है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, बहुत समय तक वो चीजों को, क्वेश्चन आंसर्स को याद नहीं कर सकते। तो ऐसी दशा में बसंत पंचमी के दिन की गई माँ सरस्वती की पूजा न केवल उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, एकाग्रता में सुधार करेगी, बल्कि बेहतर याददाश्त और बुद्धि की बदौलत विद्यार्थी जो हमारे दर्शक हैं, बच्चे जो हमारे हैं, एग्जामिनेशन में यू कैन गेट बेटर रिजल्ट बाय द प्रेयर ऑफ माँ सरस्वती। विद्यार्थियों के अलावा बुद्धि का कार्य करने वाले जितने भी हमारे तमाम दर्शक हैं, जैसे पत्रकार बंधु हुए हमारे, हमारे अर्पित भाई हुए, वकील हुए, शिक्षक हुए, सभी जो हैं वो आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन करके विशेष लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।